आज अपने हिंदी का छठा बिंदु व्याकरण का जिसका हम अध्ययन करेंगे। छठा बिंदु अपने सामने है वचन। वचन क्या है, कितने इसके भेद होते हैं और उसकी परिभाषा, वचन के उदाहरण, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो वचन शब्द से क्या तात्पर्य है उसकी परिभाषा के दौरान देखिएगा। वचन शब्द के जिस रूप से एक अथवा अधिक का बोध होता है, या तो फिर एक का या अधिक यानी अनेक का बोध होता है, वचन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे केला, माला, हाथी, केले, मालाएं, हाथियों आदि, तो ये वचन की परिभाषा और वचन के उदाहरण हैं। वचन के भेद, वचन के कितने भेद होते हैं उसका हम देखेंगे कि तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन क्या है उसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। एक वचन की परिभाषा और उसके उदाहरण हम देखेंगे। शब्द में जिस रूप से एक वस्तु पदार्थ का बोध होता है, एक वस्तु या फिर पदार्थ का बोध होता है, एक वचन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे हाथी। अब हाथी क्या है, एक है। अपने जानते हैं कि हाथी हैं वो, जैसे एक है हाथी पुस्तक। जैसे मेरे पास में ये किताब है, यह एक पुस्तक है। इसी प्रकार का उदाहरण है पुस्तक, चौक, केला, लड़का, गाय आदि, ये सारे एक वचन के उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरा उसका भेद है बहुवचन। बहुवचन क्या है इसकी परिभाषा देखिए। शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं या पदार्थों का बोध हो, बहुवचन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे जैसे पुस्तकें। अब पुस्तक एक थी, अब अपने सामने पहले उसमें एक पुस्तक का ज्ञान था, अब ये दो पुस्तकें हैं, जैसे एक और एक, ये दो, तो ये पुस्तकें बहुवचन हो गई। इसी प्रकार लड़के, मालाएं आदि, जैसे एक माला ने होकर के अनेक मालाएं हैं, वो बहुवचन का उदाहरण है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन में आते हैं, जिनको हम शब्द पहचानेंगे तो बहुवचन में कुछ शब्द है उनके प्रयुक्त तो शब्द होने वाले हैं, उनका हम यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे अंशु। अंशु का एक वचन और बहुवचन दोनों में कुछ अंतर महसूस नहीं होता है, क्योंकि अंशु नहीं होते, तो अंशु ही बहुवचन है। दर्शन, प्राण, बाल, लोग, हस्ताक्षर, होश, इस प्रकार के ये अनेक शब्द जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो आप लोगों ने ये वचन की दो प्रकार की परिभाषा, वचन के दो भेद और उदाहरणों में जो अंतर था उसको अपने महसूस किया। तो वचन ये आपका छठा बिंदु, वचन क्या है इसकी विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की। धन्यवाद।